तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 7 दिन में कितने घंटे मिनट सेकेंड होते हैं। यानी कि दोस्तों, हम बेसिकली इस वीडियो में हम दिन को घंटा, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें से हमारा मेन टॉपिक होगा कि 7 दिन में कितने घंटे, मिनट, सेकेंड होंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है, सवाल है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देखिए कि कैसे ये बदलता है और इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, एक दिन में कितना घंटा, मिनट, सेकेंड होता है वो हम जानते हैं, जान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 दिन के बारे में जानेंगे। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल? तो एक दिन में जो घंटे होते हैं आपका 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं एक दिन के बारे में। अब बात करते हैं कि मिनट कितना होता है। तो दोस्तों, एक दिन में जो मिनट होती है कितने होते हैं, एक दिन में मिनट बराबर, तो क्या हो करेंगे हम, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटा में 60 मिनट होता है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्या करेंगे, 24 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 24 गुणा 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 8 लगा दो, 6 दूनी 12 दो, 14 0 लगा देंगे, यानी कि 1440 मिनट। ये क्या हो गया हमारा, एक दिन का मिनट के बारे में जानकारी। अब एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक दिन में जो सेकेंड होता है, देखिए 1440 मिनट है, इसी से हम बदलेंगे, ठीक है। तो 1440 गुणा एक मिनट में कितना होता है, एक मिनट में भी कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। कितना होता है, एक मिनट में भी 60 सेकेंड होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मिनट को सेकेंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से उसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए मैं आपको कैलकुलेटर का मदद लेते हैं। यह रहा हमारे पास कैलकुलेटर, जिसमें 1440 का गुणा करेंगे, 1440 गुणा 60 करेंगे, कितना आ गया, 86,400 सेकेंड। यानी कितना होता है, 86,400 सेकेंड होता है कितना में, एक दिन में, ठीक है। ये हमारा पहला क्लियर हुआ एक दिन के बारे में सारी जानकारी। अब इसी से हम क्या करेंगे, 7 दिन का, चाहे 8 दिन का, चाहे 1 हफ्ता का, या फिर 25 दिन का, जितना भी दिन को हो उसको घंटे, मिनट, सेकंड बदलना हो आसान हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, 7 दिन को हमें बदलना है तो अपने सीधे हम टॉपिक पर आते हैं और 7 दिन को बदलते हैं घंटे, मिनट और सेकेंड में। तो 7 दिन बराबर क्या हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटा, तो 7 दिन में क्या हो जाएगा, 7 गुणा 24 कर देंगे, एक दिन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 के 8 8 लगा दो, 7 दूनी 14 2 16, यानी कि 168 घंटे। 7 दिन में कितने हो जाएंगे, 168 घंटे। देखिए 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 168 घंटे। अब 7 दिन में कितने मिनट होते हैं वो देख लेते हैं। 7 दिन में मिनट की संख्या क्या हो जाएगा, तो 7 गुणे एक दिन में कितना मिनट होता है, 1440, तो 1440 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए 7 0 0, 7 चौक 28 का 8 हाथ लगा दो, 7 चौक 28 2 30, 30 के 0 हाथ लगा 3, 7 एकम 7 3 10, यानी कितना हो गया, 10,080 मिनट। कितने हो गए, 10,080 मिनट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में कि 7 दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो 7 दिन में सेकंड बराबर 7 गुणा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400। अब इसमें गुणा करेंगे, अब क्या करें, मैं कैलकुलेटर का मदद ले ही लेता हूँ, ठीक है। 86,400 में क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, गुणा 7, कितने आगे, 6,48,800, कितना आ गया, 6,04,800, ठीक है। यानी 60,4800, कितनी संख्या हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, यानी 6,04,800 सेकेंड होंगे, कितने में, 7 दिन में, ठीक है। ये हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जितने भी दिन थे उसको हमने घंटा, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं और इस तरीके से निकाला जाता है। हमें करना क्या होता है, जितने भी दिन होंगे उसमें क्या करेंगे, घंटे में बदलना 24 से गुणा करेंगे, ठीक है, या फिर जब मिनट बदलना तो 1440 से गुणा करेंगे, और जब सेकंड बदलना तो 86,400 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने एक दिन के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।